राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 25 आरोपियों के खिलाफ आज चार्जशीट दाखिल हो सकती है। जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो सकती है उनमें 14 प्रशिक्षु थानेदार हैं जिनको एक साथ गिरफ्तार किया गया था। ट्रेनी थानादारों के अलावा आरोपी गैंग के सदस्य पर चार्जशीट दाखिल हो सकती है। आपको बता दें कि अब तक करीब 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसओजी आज फाइल करेगी चार्जशीट। पच्चीस आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो सकती है। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एसओजी आज फाइल करेगी चार्जशीट। आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो सकती है। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ये बड़ी कार्रवाई है। एसओजी आज चार्जशीट फाइल करेगी। 25 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की जा सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता सोमू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सोमू, एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले से ये जुड़ी बड़ी जानकारी है। जानकारी ये मिल रही है कि एसओजी आज चार्जशीट फाइल करेगी। कितने लोगों का नाम इसमें शामिल है? देखिए, एसओजी के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि करीब 25 लोगों के खिलाफ जो है ये चार्जशीट फाइल होने वाली है आज, और इनमें जो ट्रेनी एसआई थे जिनको आरपीए से गिरफ्तार किया गया था वे भी शामिल हैं। जाहिर तौर पर क्योंकि जो न्यायिक हिरासत की अवधि है वो अभी 4 तारीख को पूरी होने वाली है, और इसलिए एहतियातन रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए एसओजी ने ये चार्जशीट तैयार की है और चार्जशीट आज जो है वह कोर्ट में फाइल की जाएगी। आप बिल्कुल देखिए, इस पूरे मामले को लेकर सोमो हमने देखा था पहले भी कार्रवाई की गई थी और कई ऐसे नाम निकलकर सामने आए थे। पूछताछ में भी कई ऐसे नामों का खुलासा हुआ था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो अब कार्रवाई हुई है इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इस मामले में पूरी तरह से कड़ी जोर करके कार्रवाई की है एसओजी ने, और खासतौर पर जो शिकायतें एसओजी को, जो एसओजी ने नंबर दिया था, सार्वजनिक किया था कि अगर आपको कहीं पे किसी पे शक है, डाउट है, और कोई अगर आपके पास सबूत है तो वो आप उस नंबर पर दे सकते हैं। उसके जरिए जो एसओजी के पास सूचनाएं आई, उन सूचनाओं के वेरिफिकेशन के बाद एसओजी ने लगातार कार्रवाई की है और पहले भी हिरासत में लिया, पूछताछ भी की उस मामले में, कुछ बार एसओजी की किरकिरी भी हुई, लेकिन फिर भी एसओजी की टीम ने पूरी मुस्तैदी के साथ इस पूरे मामले की जिस तरह से जांच की है, अब आज उस जांच को अंजाम पे पहुंचाने की पहली सीढ़ी जो है चार्जशीट फाइल करना, उसको लेकर के कितनी तैयारी है एसओजी की, क्या कुछ चार्जशीट में सामने आता है, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से एसओजी ने कार्रवाई की है, जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया है, और उन लोगों के जिनको गिरफ्तार किया गया है उनके जब सोशल मीडिया पे मॉक इंटरव्यू के वीडियो भी वायरल हुए थे, तो इन सबसे लोगों में, खासतौर पर जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा हैं, उनमें काफी संतोष था। आज जब ये चार्जशीट फाइल होती है तो उसमें कुछ चीजों का उल्लेख करती है एसओजी, ये सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, यही देखने वाली बात होगी।